तुम वहां कार और मोटरबाइक दोनों पर गए थे? अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको बता दूंगा भाई, हम पहले कार में रोड तक गए। बाबा मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको क्या बता रहा हूँ याद है? बता रहा हूँ ना कि गाड़ी को ठीक करवाना है, लेकिन काम की वजह से आपको शायद याद नहीं रहा। खैर बताया ना, हम रोड पर थे और आयशा मेरे साथ थी। तब क्या हुआ, ये रॉड टूट गई और मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी और आयशा को अंदर लॉक किया और यहां से आके मोटर बाइक ली। मोटर बाइक लेने के बाद मैंने आयशा को साथ लिया और फिर हम आतिश के घर गए और इसके बाद मैंने आपको सारी बातें बता दी। बहुत खूब, शाबाश शाबाश, लेकिन मोटर बाइक कहाँ है? वो रही मोटर बाइक, देखिए। मेरी महबूबा, हाँ बोलो। क्या वाकई तुम सेटल हो गई? नाइस, मुझे बाद में कॉल करना। अरे बहू, तुमने तो कहा था कि बहुत भूख लगी है तुम्हें, लेकिन तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या ये नाश्ता अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसी बात नहीं, ये बहुत शानदार नाश्ता है, इसमें तो पूरी आर्मी खा सकती है, लेकिन मुझे इतने लाविश खाने की आदत नहीं है। आदी हो जाओगी, जरूर हो जाओगी। पता है तुम्हें, इस जिंदगी में सबसे अच्छी चीज सुकून ही तो है, जिसका इंसान जल्द आदी हो जाता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना ना सोचता। भाईजान, आई एम सॉरी गुलरेज, क्या मैंने फिर से कुछ ऐसा वैसा कह दिया? हमें नौजवानों के साथ सोच समझ के बात करनी चाहिए। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा बहुत कुछ है जो मेरा दिमाग खराब कर देता है। घर में अजीब बातें हो रही हैं, जैसा कि कैमरे का बंद होना। नॉर्मल है। नॉर्मल, आजकल तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है, वायरसेस सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है। रियली? और हम उन्हें भारी रकम पे करते हैं। अगर तुम्हें अपने फैमिली की पैसों की इतनी फिक्र है तो मैं समझता हूँ तुम इसे कमाने के लिए भी कुछ काम करोगे। मैं समझा नहीं, बताइए। मसलन, जहाँ तक मुझे याद है मेरा पैसा तो पसंद नहीं है आपको। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो तुम ड्राइवर बनकर कमाते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम कोई काम करके अपना पैसा कमाओ। सबसे पहले मैं ड्राइवर नहीं हूँ, पायलट हूँ। इसके अलावा ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, है ना बाबा? आप इसे क्या करने की ऑफर करेंगे? अब मैं जो कहूंगा ये वही करेगा। क्या तुम्हें कोई इतराज तो नहीं मिस्टर आतिश? तुम जितने अच्छे बेटे बनोगे उतना ही ज्यादा इनाम पाओगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो। हाँ बाय द वे, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, शर्माओ नहीं, ले लो। आतिश अब ले भी लो, तुम तुम्हारे लिए ही है, शाबाश। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मेरा काम हो गया, मुझे इजाजत दें, आप लोग नाश्ता एंजॉय करें। क्यों नहीं है, सब कुछ हमारे लिए तो है। भाईजान की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। ऐसा नहीं कहे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। भाईजान भी ना, खैर कोई बात नहीं, हम अपना मूड क्यों खराब करें। ऐसा करते हैं शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है मॉल में, चलें फिर। नहीं इसकी जरूरत नहीं। चलो यास्मीन चलते हैं शॉपिंग पर। हाँ लेकिन हमें एक छोटा सा काम है, अर्जेंट है थोड़ा, पहले वो कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे हम। ठीक है मैं समझती हूँ कुछ अर्जेंट होगा, लेकिन इसे पहले कुछ खाने तो दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भूखी रहने की आदी है वैसे। आ जाओ आ जाओ, रास्ते में कुछ खिला दूंगा तुम्हें, बाबा ने तो वैसे भी कार्ड्स दे दिए मुझे। आ जाओ। ये जवानी भी। आज तो इसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कम अज कम आदिश मेरे साथ तो है। नहीं आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही जमीला? यलमाज फैमिली की आइडेंटिटी रजिस्टर कॉपी चाहिए मुझे। पूरा फैमिली ट्री देखना है मुझे।
यार तुम कमाल साहब को इसलिए कॉल क्यों नहीं करती? ओके नहीं, मैं तो फ्लैट ढूंढ रही हूँ अपने लिए। ठीक है। हाय जमीला, एक काम तो खुद कर लो यार। अरे बंद है ये यार, इस मुल्क में अगर इतनी देर से दुकानें खोलेंगे तो कैसे चलेगा भला? मैडम। अरे मोहसिन साहब, कल से जब से आपने फ्लैट्स का बताया है ना, मुझे तो नींद नहीं आई। बस मेरा मसला हल हो जाए आज के दिन में, तो चले ना, चलते हैं। से भी पहले। अरे हाँ, नाश्ता भी जरूर करेंगे। जलाल साहब का कैफे करीब में है, वहाँ चले। जरूर। अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझे बता देंगे मोहल्ले के बारे में भी, कौन कौन रहता है यहाँ, कौन कौन जा चुका है यहाँ से। दरअसल ये चीजें बहुत अहम है मेरे लिए। ठीक है। वो कहते हैं ना, घर कैसा भी हो पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। तो बस सबसे पहले जलाल साहब से शुरू करते हैं, तो बताइए कि वो कब से रहते हैं यहाँ? जमाने से। शादी भी यहीं हुई होगी उनकी। तो बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं। दुकान भी पुरानी होगी। पुरानी है। यास्मीन, क्या कर रही हो तुम? ये खुदा का वास्ता। और क्या करूंगी, रिकॉर्ड्स ढूंढ रही हूं। अच्छी बात है, कैसा है, लेकिन वो कुशन्स के नीचे थोड़ी मिलेगा तुम्हें? हाँ, यहाँ तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उफ, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे इस तरह से लोगों के कमरे में घुसकर चीजें तलाश करने की आदत नहीं है। तुम बहुत अनाड़ी हो। वैसे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड मास्क अगर कुछ होता है तो मैं बचा सकता है? पता है मुझे अच्छे से, ये तो बस मैंने मूड बनाने के लिए पहना है। तुम मुझे स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? यास्मीन, हम जो ढूंढ रहे हैं ना, वो हार्ड डिस्क है, फ्लैश डिस्क है, या सीडी हो सकती है। ये मेरे ख्याल से वो क्रेडिट कार्ड के साइज जितनी या थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखते हैं, मिल जाएगी। ओ हाँ, और वैसे भी तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को फर्ज से उठा लेना नोट नहीं किया है। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारा मैस सही करने के लिए आए हैं। तुमने फॉरेन क्रेडिट कार्ड क्यों ले लिए? क्या है ये आतिश साहब, कहीं अपनी पुरानी लाइफ आपको याद तो नहीं आ रही? इस पागल मत बनो यास्मीन, आखिर क्या करता मैं? आसिफ साहब किस कदर चालाक है तुम जानती हो ना। उन्होंने वो कार्ड्स आजमाने के लिए दिए हैं। एतराज करता हूं उनके सामने तो वो जान लेते। ओके? अब वो एक एक खर्चे का हिसाब भी रखेंगे, मुझे पता है। क्या उनके पास इन कामों के अलावा कोई काम नहीं? नो, वो सिर्फ मुझे डील करते हैं और किसी को नहीं। सिर्फ मुझ पे गुस्सा कर सकते हैं। खैर, मैं इस तरह मुसलसल निगरानी में नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी ढूंढो और घर वापस चलते हैं। ज़ैनब, अरजान से कहो कि हम लेट हो जाएंगे। अरे चुप जाओ, फौरन उधर जाओ। यास्मीन, क्या जैनब, मेरे रूम में दोबारा ये रूम स्प्रे मत करना, ये बहुत बुरी है।
इतना अच्छा तो है, टेस्टलेस इंसान। या अल्लाह बच गए। यास्मीन, एक खबर अच्छी और एक बुरी है तुम्हारे लिए। क्या? हार्ड डिस्क मिल गया मुझे, लेकिन वो लॉकर में है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो पासवर्ड भी नहीं पता है उसका। सिर्फ पासवर्ड ही नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए उनके। फंस गए हैं। यास्मीन, हर बुरी सिचुएशन में तुम्हारा ये मायूसी वाला चेहरा मेरे आसाब पर ना हावी हो जाता है। कंट्रोल क्या करो खुद को, बस ठीक है ना, थोड़ा सबर से काम लो, वक्त लगेगा लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है, तुम अपनी वोकैबुलरी में से हम कर लेंगे को बिल्कुल निकाल दो, समझे? जब भी सुनती हूँ मुझे मजीद गुस्सा आ जाता है। तंग आ गई हो? गुस्सा आता है। आ गई हो तंग? गुस्सा। चलो चलो, तुम बाहर देखो, जल्दी निकलो। आज हवा तेज चल रही है। अम्मी देखिए। हाँ? मोहसिन किसे ला रहा है यहाँ पर फिर से? देखो तो इन्हें, ये सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रही है? आज का तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। अल्लाह रहे, रिलैक्स, मुझे तो किससे खौफ आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें नाश्ता मिलेगा प्लीज? मैं आपसे माजरत करती हूँ, कैफे बस अभी खुला है। नो इश्यूज, जो कुछ तैयार है ले आइए, हमारे लिए वही काफी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। मोहसिन चलो जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? हम आपको कुछ सर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। कसम से किसी ड्रोनी फिल्म वाली बला लगी है अचानक से। और तुम्हें उस फिल्म का नाम मालूम है? नाम है मरने के बाद क्या होगा। पता है फिल्म में क्या दिखाते हैं? इंसान के टुकड़े टुकड़े होते हैं, बाजू एक तरफ पड़ा होगा तो टांगे दूसरी तरफ। हाँ समझ तो गए होगे ना मिट्टू? नहीं, दोबारा से बताओ। तो मोहसिन तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम घर तलाश कर रहे हैं, मुझे अभी तक मुनासिब घर नहीं मिल सका। अच्छा, आप घर तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा, मुझे अफसोस है। क्यों? है ना मोहसिन? अरे नहीं यार, पता है रमीज वाला घर खाली है, कोई नहीं है वहाँ, इन्हें वहाँ ले जाओ। ठीक है, उससे कहना कि हमारे कस्टमर है, घर की बात है, ये सुनकर वो जरूर तवज्जो देंगी। दरअसल हमारे पेंट हाउस में बहुत मौजू है उनके लिए, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया है, तो इसलिए रहने दे। ठीक है ना अम्मी? लगता है हीरो फिल्म के आगाज में ही मर गया होगा। खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उससे किससे बचा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। ये औरत फिर से यहाँ? अल्लाह अल्लाह, इस औरत का कोई खुफिया एजेंडा है, देख लूंगा मैं। उम्मीद है आसिफ अफजी इसमें मुलविस नहीं होगा। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग जलाल साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आए तो हम नाश्ता करने के लिए थे, लेकिन लगता है जल्दी आ गए, इसलिए जाना पड़ेगा। जी जी, आप काफी जल्दी आ गई हैं। बैठे बैठे, अब आप आ गई हैं तो बच्चे जो कुछ भी हो सकता है वो बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आप जैसे मुखलिस लोग अब मिलते नहीं हैं। अच्छा वाकई? मेरा मतलब कि आपने सही कहा। सही कहा। खैर आप थोड़ा सा वेट करें, अभी कुछ ले आते हैं आपके लिए, ठीक है? दामाद, चलो खातून से पूछो और जाकर तैयार करो। चलो खड़े क्या हो, जो चाहिए इन्हें लाओ। शाबाश, जल्दी करो, आप आराम से बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे ये कैसी आवाज आ रही है शुएब? क्या गाड़ी है अम्मी? देखे क्या गाड़ी आई है, कौन है ये? मुझे क्या मालूम,
हाय सोचे तो जरा, अगर हमारे पास ऐसे अमीर कस्टमर आने लग जाएं तो हमारी मांदी के चर्चे तो दूर दूर तक होने लग जाएंगे अम्मी। आ, ये तो आतिश और यास्मीन है ना? हाँ वही लोग हैं। इस बार भी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्या कर सकते हैं। अपने केक्स ले लो। ख्याल से उठो। वाह 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 वाह, वेलकम वेलकम। शुक्रिया। आतिश ये कितनी फास्ट है? आपकी वाली से ज्यादा है। अच्छा really, इतनी फास्ट? मुझे बताओ कितनी स्पीड है? आप चाहते क्या है वैसे? शुएब भाई राउंड ले सकता हूँ? ये ले भाई, जितनी चाहे ड्राइव ले। खुली ऑफर आपके लिए। वाकई सही कह रहे हो, क्या मैं राउंड ले सकता हूँ? हाँ ना, क्यों नहीं ले सकते, कोई शक नहीं इसमें। इनफैक्ट आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने ऑर्डर्स आप इसी में डिलीवर क्यों नहीं करते? इस पर डिलीवर कर दिया तो क्या बात है शेर। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सुहेला आपा को पहले जाकर बताना चाहिए, अगर वो आपसे जेलस हो गए तो वो मुझे आपको और मेरी गाड़ी को बर्बाद करके रख देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग जलाल अंकल। गुड मॉर्निंग आतिश। परिहान आंटी, बस से छोड़कर मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। जाओ जाओ जरूर जाओ। देखे शुएबी कैसे दीवाना हो रहा है गाड़ी के पीछे। बिल्कुल सही किया इसने। हाँ तुम जो पिन निकाली हुई हैंड ग्रेनेड बन रही हो। अरे बाप थोड़ा मुस्कुरा दो, कस्टमर देख के डर जाएंगे। ये तो शुएब भाई है। दुल्हा भाई, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ आयशा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें घोड़ों की कितनी रफ्तार है, लेकिन बेशुमार है। आतिश की गाड़ी है? हैं? क्या ये आतिश की गाड़ी है भाईजान? हाँ आतिश की। बस करे बस करे बस करे आप। हमारा किरदार ही काफी है आयशा। ओ वाओ, हवेली के भगोड़ो कैसे हो? हाँ चुप करो आतिश। हाँ समझ गया। हम बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या बात है? माशाल्लाह जाते हुए बड़ा रो रहे थे मगर अब तो सेट हो। तो क्या टैक्सी में आते यहाँ पर? ये लो। फिर तो है शुभ भाई, आप तो ड्राइव पे जा रहे थे, क्या हुआ? हाँ कहा था लेकिन गाड़ी बहुत महंगी है इसलिए जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये आपसे ज्यादा कीमती नहीं है, और वैसे भी जहाँ से आई है वहाँ जैसी और भी बहुत है, फिक्र मत कीजिए। ये वाकई शानदार है माशाल्लाह। क्या बात है, बिल्कुल भाईजान एक इज्जतदार आदमी अपनी कार की वजह से कभी मशहूर नहीं होता, वो अपने किरदार से मशहूर होता है। मकसद क्या है इस बात का? ये लाइन तुम अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा लेना। लिखवाऊंगा। लंगू तुम्हें नहीं लगता कि बैठे बैठे तुम्हें जंग लग सकता है? काम करने के बजाय तुम लोग सारा दिन बैठ कर सिर्फ बातें ही करते हो, ऐसा कैसे चलेगा? थोड़े हाथ पाँव हिलाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, काम करो। हाँ आज सुबह सुबह बड़े मूड में हैं आप। मेरी बात सुनो लंगूर, मुझे तंग किया ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पर क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो, बस कर दो यार। सुहेला तो हमेशा ऐसी ही बातें करती है। परिहान आंटी को क्या हुआ है, परेशान लग रही है? खुद जाकर पूछ लो। मेरे लिए बोरे के लिए आइएगा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं भाई, पागल मत बने आप। बहुत शुक्रिया। हाँ भाई यही है असल वजह। बिल्कुल नहीं। चले मैं काम पर जा रही हूँ। चलो फिर मुझे भी हिल्म उस्ताद की वर्कशॉप पर जाना है। आप मुझे किसी तरह आज ही पेंट हाउस दिखा दीजिए। ठीक है चलो चलता हूँ। ओके शोएब भाई, क्या आप मेरी टेबल्स लगवाने में मदद करेंगे? चलो मेरे भाईजान को मत थकाओ, ये थक जाते हैं, ऐसा ना करो इनके साथ, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। खुदा तुमसे राजी। आपसे भी हो। शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी टॉयलेट टॉयलेट।
हाँ जमीला, क्या हुआ? ठीक है, वो तस्वीरें मिलते ही मुझे फौरन भेज देना, ओके? वेट कर रही हूँ। आयशा, आयशा, थोड़ा सा तो आहिस्ता चल लो, क्या कर रही हो यार? तो अपनी कार में आ जाते ना, मेरे पीछे माशाल्लाह वैसे भी बहुत फास्ट है। बिल्कुल अपने भाई जैसी हो वैसे तुम। आयशा, आयशा, तुमने कल मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज दिया। वो तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। तुम्हारे लिए कैसा? पता नहीं, जैसे कि हम एक ही कमरे में बंद हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा आयशा? आतिश, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सुन रहा हूँ। क्या तुम दोनों उस कमरे में एक साथ रहते हो? हाँ ना, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं क्यों पूछ रही हूँ? मैं समझी कि तुम्हारी शादी फेक है, सोचा कि तुम दोनों में मोहब्बत भी नहीं है, तो तुम और यास्मीन एक साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हो? आतिश और यास्मीन बिल्कुल एक जैसे, आतिश और बारूद एक ही कमरे में, मैं तो वाकई यकीन नहीं कर सकती। तो तुम एक ही बेड पर क्यों नहीं सो जाते? इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो दोनों? आयशा, क्या हो रहा है? खैरियत तो है? कुछ कह नहीं रही हो, यूं ही चले जा रही हो, क्यों? मुझे पता लग गया क्या है। क्या? जेलस हो रही हूँ ना फिर से? फिर से का क्या मतलब है? यानी दोबारा नाराज हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे उस कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। तो तुम कहाँ सोते हो आतिश? अपने बेड पर। अपने बेड पर? और यास्मीन? वो अपने बेड पर, यानी एक्स्ट्रा मैट्रेस है। तो इसका मतलब ये कि तुम एक लड़की को जमीन पर सुलाते हो? आयशा, खुदा के लिए तुम इस बात पे नहीं पड़ो, क्योंकि ये मेरा इंतहाई जाती मामला है, समझ गए? और वैसे भी जब मैं इस मोहल्ले में आया था, तो मैं अपने पेंट हाउस में अपने सोफे पर सो रहा था, पता है ना तुम्हें? नहीं, मुझे पता, जानती हूँ, मैं सबको बर्दाश्त कर रहा हूँ। और उसके अलावा यास्मीन और मेरे बीच एक डील हुई थी कि हम 15 दिन के बाद जगह बदलेंगे, तो इसलिए फर्श पर सोने की बारी उसकी है। तो क्या यकीन कर लूं मैं? इसके अलावा कोई और चांस है भी नहीं। अगर चाहो तो यास्मीन से पूछ सकती हो। आतिश, मेरे साथ ये बहस बंद करो, मुझे तो बस एक ही डर है कि वो तस्वीर कहीं यास्मीन ना देख ले। अरे वो क्यों देखेगी, बताया तो था कि जला चुका हूँ उस तस्वीर को मैं। मगर असल मसला तो अभी तक हल ही नहीं हुआ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है आतिश। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम यकीन रखो मुझ पे। बात सुनो, ये नेकलेस जो है ना, जब तक तुम्हारे गले में है, हमें कुछ भी नहीं होने वाला, फिक्र मत करना। आया समझ में? चलो आ जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ? आपका बहुत शुक्रिया जनाब। रहने दो, मुझे ये करना पसंद है। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, मतलब मदद करना मुझे पसंद है। अरे इनको यहाँ कौन लेकर आ गया? क्या मैं 2 सेकंड के लिए अपनी बादशाहत नहीं रख सकता क्या? ये क्या बात हुई यास्मीन? नहीं रख सकते। ठीक है, मैं इन्हें उस मेज पर रख दूंगा जिसकी बाद में इजाजत दूंगी। तुम वैसे बहुत क्यूट इंसान हो, जैसे कश्ती पे बैठकर आए थे। और तुम भी इतनी जंगली नहीं हो, बहुत प्यार से गले लगाया था। क्योंकि मैं हैरान हो गई थी। क्यों हैरान थी? यास्मीन, मैं तुमसे कुछ पूछूं? लेकिन पूछ सकते हो तुम। सच बताना मुझे। ठीक है। तुम दोनों, मतलब आतिश और तुम, एक दोस्त की तरह हो ना? जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही हो ना तुम? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब तुम और आतिश, मेरा मतलब मर्द और औरत, तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स लगते हो, जैसे डूड, साथी, साथ रहने वाले, बेस्ट बडीज, जैसे कि वो वाओ डूड, मतलब वैसे दोस्त हो ना? सच्ची नहीं, मैं ना समझने वाली क्या बात है?
मतलब ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि ना समझी जाए। वो हम जिस कमरे में आए तो मैंने देखा वहां सिर्फ एक बेड था। हाँ, वो मसला, वो तो हम बहुत क्लोज हैं इसीलिए। मैं जमीन पे सोती हूँ। यार अनमम नायरलम एलगज değil mi aman aman sevdi de kaçı verdi a benim acı yarim başımın tacı yarim eller bana acımaz sen acı bari yarim Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar, pul pul olsun dökülsün seni öpen dudaklar, pul pul olsun dökülsün seni öpen dudaklar. वो तुम्हें जमीन पर सुलाता है यास्मीन, और वो बेड पे सोता है, ऐसा करता है तुम्हारे साथ। वाह यार, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है, वो तुम्हें जमीन पर कैसे सोने दे सकता है? खुदा सबर दे, मुझे सबर दे। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। जलाल, हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल डाई करवा लूँ। हाँ तो करवा लो। इसके अलावा मेरे बाल जरा बड़े हो गए हैं, इसलिए कटवाने का भी सोच रही हूँ, क्या ख्याल है? कटवा लो बिल्कुल। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी जलाल। कर दो बिल्कुल। मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अरे सुन रहा हूँ बिल्कुल। क्या कहा बताओ मुझे, क्या कहा मैंने? हाँ, 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 तुम मेरा टेस्ट ले लो ना। हाँ तो ले लो। हाँ मुझसे पूछ रही हो? तुमने कहा था कि हम छुट्टी वाले दिन कटाकट बनाएंगे। कहा था ना? हम कटाकट बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा जलाल। दरअसल गोश्त ज्यादा नहीं रखा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि बाजार से जाके गोश्त ले आऊं। चलता हूँ। देख रहे हो? देखने तो मुझे, अब हम एक ही घर में थोड़ी रहते हैं। तुम किस तरह के आदमी हो? स्ट्रेट। कभी कभी तुम बहुत रूड आदमी की तरह बिहेव करते हो और कभी कभी इतना रोमांटिक हो जाते हो, क्या कर रहे हो तुम धनी? मैं नहीं जानता यास्मीन, ऐसा बिना सोचे समझे ये सब हो जाता है। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता हूँ और कभी वैसा, खुद भी नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि तुम यहाँ से नहीं जाती तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। फिर से? क्या फिर से? बच्चों। हाँ जी। दुकान तुम लोगों ने खोली है? बिल्कुल खोली, क्या नहीं खोलते?
पता नहीं, तुम तो शिफ्ट हो गई थी ना, अब तुम्हारे लिए तो मुश्किल है ये। वो मेंशन तो क्या, अगर आप मुझे महल भी दे दें तब भी मैं ये दुकान खोलूंगी, बहुत मेहनत की है इसके लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो अमीन? ठीक हूँ। यार दमीर, क्या तुम दुकान संभाल सकते हो? तुम्हारी माँ पागल हो गई है, हमेशा डांटती रहती है। मैं गोश का बहाना करके वहाँ से निकल आया हूँ, बस उसे मेरी गैर मौजूदगी महसूस नहीं होने देना। नहीं, ये मुझे दे नहीं, ये मैं खुद लेके जाऊंगा। चलो भाई। अमीन, एक सेकंड के लिए आओ। ठीक है। वो औरत आई थी क्या? औरत? ओह, जिसने कहा था कि मीटिंग अरेंज करनी है। नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरी वाली जिस पर शक है मुझे। हाँ? जो आखिर में आई थी, उस औरत के बारे में कुछ है जो मुझ पर शक कर रही है। मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो औरत हमारे लिए मुसीबत लेकर आएगी। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि वो हर वक्त हमारे आसपास ही रहती है, और अब तो वो महल्ले में सेटल हो रही है। मुझे लगता है वो आसिफ अफजी के साथ काम करती है। जलाल, हम सिर्फ आसिफ पर शक कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका इससे कोई लेना देना ही ना हो। अगर उसका इससे ताल्लुक नहीं है तो फिर ऐसी मॉडर्न औरत इस महल्ले में शिफ्ट होने में दिलचस्पी क्यों लेगी? क्या वाकई तुम सेटल हो गई? नाइस। आप दोनों के लिए चाय लाई हूँ। शुक्रिया बेटी। आतिश, ओ चाय पी रहे आप लोग? अच्छा, एंजॉय कीजिए। तुम आ गए, चलो चाय पियो। मंदिर से लाता हूँ अपने लिए भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? क्या क्या क्या? मैं बिलावा जी में बोलता रहा, तुमने सुनी ही नहीं, और मैं भागता रहा। हाँ सुनी है तुम्हारी बात, मैं कोई गूंगा बहरा थोड़ी हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम इतना जोर से जो बोल रहे थे। पता नहीं यार, बस उसी लम्हे तेज हुई आवाज। आजकल सबके पास इतनी राजदारी है, सब टेंस्ड हैं। चलो हम अपना ही मुंह ठीक कर लेते हैं। खैर तो है चैंपियन, क्या हुआ? शायद बाहर कोई बात हो रही थी। मैं जानता हूँ, पापा ने जिस औरत को इस मोहल्ले में भेजा ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या किसी औरत को तुम्हारे पापा ने भेजा? नहीं मालूम, लेकिन मैंने आते हुए सुना है अभी, और वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। अल्लाह अल्लाह, अब तो उन्होंने किसी औरत को हमारे पीछे लगा दिया है। मुझे दिखाओ कौन है वो, कैसी दिखती है, मैं उसे टक्कर मारकर यहाँ से भगा दूंगी। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए यास्मीन? लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है रखने की। हेलो, कितना खूबसूरत म्यूजिक लगाया हुआ है। मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी पुरानी चीजों में इंटरेस्ट है जलाल साहब? इतनी नहीं मोहतरमा, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो इनसे लुत्फंदोज होता हूँ। बहुत शुक्रिया यास्मीन। हाँ। ये इस औरत के बारे में बात कर रहे होंगे, मुझे पता है, इसे हमने सुबह मानती शॉप में देखा था, याद है ना तुम्हें? हाँ। ये तो एक हफ्ते से इधर उधर घूम रही है, इससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, कोई ना कोई गड़बड़ तो है यहाँ। क्या वाकई ऐसा है? और हाँ, पता लगाने का एक ही तरीका है। वो क्या? तुम्हारे पास कोई केक वगैरह या पास्ता तैयार पड़ा हुआ है यास्मीन? तुम्हें याद नहीं तुम कहाँ खड़े हो? मैंने भी तो इस कैफे में इन्वेस्ट किया है वैसे। चलो ठीक है, लेके आओ, आ जाओ। आपने वहाँ भी मीठा खाया था, प्लीज हमारे केक की ट्राई करें, ये लीजिए। ओहो, तुमने क्या किया बेटी? आई एम सो सॉरी, बिल्कुल गलती हुई, बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं सफाई का कपड़ा, अरे नहीं आप रुक जाओ, मैं लेके जाती हूं इसको। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं देख लेती हूं। मैं, अरे मैं देख लेती हूं, रहने दो, कोई शर्माने की बात नहीं है। सो के दे दीजिए, मैं अभी इसको साफ करके लाती हूं। मोहतरमा, फिक्र नहीं करें, यास्मीन ठीक कर देगी। अभी ले आएगी वो साफ करके, टेंशन मत लें। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले मुझे इसे साफ करने दो। लाओ ये दो मुझे, छोड़ दो ना। साफ करो, जल्दी करो। अरे बोला तो बंद करो, ध्यान बढ़ा रही है मेरा। समझ में नहीं आता खवातीन को अपने बैग जितना भरने का शौक क्यों होता है। अरे जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। अभी क्या है, पकड़ो। अरे ये तो मिल गया, मिल गया, बस करो। अरे वो ये नहीं है, बस करो, रुक जाओ। ये रहा देखो,
हाँ चल खोलो इसे, छोड़ो इसे। हाँ जल्दी करो। यास्मीन। हाँ 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 देखो तो जरा कोई टाइप कर रहा है, जल्दी खोलो कोई आ जाएगा। ये ऐसे ओपन नहीं होगा, इसके लिए उसके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होगी यार। सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो, इस टेक्नोलॉजी का नहीं पता। अल्लाह अल्लाह जल्दी खोलो, जल्दी करो। अजीब बातें कर रही हो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये बैग किसका है? हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ ना, हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी ये बैग जो है ऐसा है कि मेरा बैग। हाँ ये रहा। आपको जहमत हुई यूं ही? अरे नहीं, कैसी जहमत, ये लीजिए मैंने साफ कर दिया है। I'm really बहुत sorry. शुक्रिया। आपने देखा अम्मी? काश मैं ना देखती। उसकी हरकतें तो देखे, यहाँ तक चली आई इनके पीछे। चले अम्मी चलते हैं। चलो। कुछ गलत कहा था? नहीं बिल्कुल नहीं। यार मुझे ऐसे ही शक नहीं, जरूर कोई बात है। जलाल परियान, तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? बाबा हमने तो आपको कीमा लाने के लिए भेजा था और हम दुकान पर आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप तो यहाँ मौजूद है, आपका यहाँ क्या काम? मैंने कीमा खरीदा है, बनवाया है। मैं यहाँ तुम्हारे मामू से बात कर रहा था बस। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों? क्या हुआ परियान? तुम वापस दुकान पर जाओ। चलो चलो अमीन, फिर मिलते हैं। ठीक है जलाल। बाबा जान फौरन चले। ऐसा हुआ कि आयशा वो हम एक्चुअली मैंने केक उस बैग में गिरा दिया था। बैग के अंदर? नहीं उसके ऊपर। मैं उसे साफ करने में इसकी हेल्प कर रहा था, केक लगा हुआ था ना तो थोड़ी चिकनाहट हो रही थी, और इतने में तुम आ गए। बिल्कुल बोलो। अच्छा बात ये है, मुझे शक है मेरे बाबा ने उसे भेजा है यहाँ पर। क्या? यानी अभी हमें सिर्फ शक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं। आतिश पागल मत बनो, तुम्हारे बाबा तो अपने आदमियों को फ्रीली कहीं भी भेज देते हैं, वो क्यों किसी औरत को सीक्रेटली भेजेंगे? और वैसे भी तुम जानते हो कि वो तस्वीर उन्होंने कैसे भेजी, तो सही कह रही है। उम्मीदें क्यों रखती हो आयशा? तुम्हें क्या लगता है कि घोड़े पर सवार कोई महाराजा आके तुम्हारी सारी बातें पूरी करेगा? आजा आजा। आतिश क्या है? ये केस खुद हल करना होगा यास्मीन। तुम सब ने मुझे अपने ही घर में सिंड्रेला बना दिया है, क्या मेरा दिल नहीं चाहता होगा कि मैं अपना ख्याल रखूं? कल भाई की सालगिरह है। हाँ। चलो फिर सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।